ओम शांति। बुद्धिवानों को बुद्धि देने वाले सर्वशक्तिवान शिव बाबा हमें समझाते हैं, कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण वा व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो संस्कार बन जाता है, फिर भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देते हैं, जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है। किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से ही युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना, यह क्षत्रियपन के संस्कार है। ब्राह्मण अर्थात रूलर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे पर वश नहीं। वरदाता बाबा का हमें वरदान भी है, मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। तो रूलर अर्थात शासक, शासन करने वाला राजा। हम आत्माओं को राजा बनकर अपने मन बुद्धि संस्कारों पर शासन करके उन्हें अपने वश में रखना है। कोई भी व्यर्थ ना चले। स्टॉप कहा तो स्टॉप हो जाए। इसी अभ्यास से ही हम रूलर बनेंगे। तो आओ चले, अपने आप को देखें। मस्तक के बीच चमकते शाइनिंग स्टार को देखे। मैं आत्मा राजा हूं। मन बुद्धि संस्कार मुझ आत्मा राजा के ऑर्डर से कार्य करते हैं। मुझ आत्मा राजा के पास रूलिंग पावर है। मन बुद्धि संस्कारों पर मेरा शासन है। अब कोई भी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण वा व्यर्थ दृश्य का प्रभाव मुझ पर पड़ नहीं सकता।
मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। मेरा अपने मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण कंट्रोल है। ना व्यर्थ सोचना, ना व्यर्थ सुनना, ना सुनाना, कोई भी व्यर्थ बोल नहीं। मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण कंट्रोल। मैं ब्राह्मण आत्मा रूलर हूं। मैं व्यर्थ संस्कारों से मुक्त हूं। मैं आत्मा राजा हूं। अनुभव करें मेरे अनादि आदि राजाई के संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। मैं राजा हूं। मैं अपने मन का राजा हूं। मन का मालिक हूं। अब मन के मालिक बन, मन के रूलर बन, मन को ऑर्डर करे कि अब परमधाम चलो। ऑर्डर किया और सेकंड में पहुंच जाए परमधाम। कुछ क्षण परम धाम में अपने बिंदु स्वरूप में बिंदु बाबा के साथ बैठे रहे। और अब मन को फिर से ऑर्डर करें कि अब सूक्ष्म वतन में चलो। ऑर्डर किया और सेकंड में सूक्ष्म वतन पहुंच जाए। सूक्ष्म वतन में अपने फरिश्ता स्वरूप में बाप दादा का साथ अनुभव करें। और अब मन को फिर से ऑर्डर करके साकार वतन पहुंच जाए।
शांति।